Again, repeat here. Exhale. One more time, repeat here. Exhale. एक साथ प्रेयर के साथ दिन की शुरुआत। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि पतंजलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीनवस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। हस्त मुद्राओं का आकर्षण करेंगे। रब योर पाम पुट योर पाम ऑन योर आईज और अपने नेत्रों पर अपने मुद्राओं का रखेंगे। आप जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहेंगे। पाद उंगली नमन पवन मुक्तासन वार्म अप सीरीज जो हम रोज करते हैं हमेशा करते हैं। पैरों को मुड़िए ओपन एंड क्लोज ओपन एंड क्लोज। जिस अवस्था में आप बैठे हैं उसी अवस्था में रहेंगे। इस तरीके से पैरों को प्रारंभिक स्थिति में ओपन एंड क्लोज। यहाँ जब आप ओपन करेंगे सांस लेंगे सांस छोड़ेंगे सांस लेंगे सांस छोड़ेंगे सांस लीजिए छोड़िए लीजिए छोड़िए लीजिए छोड़िए। यस इनहेल एंड एक्सहेल इनहेल एंड एक्सहेल इनहेल एंड एक्सहेल। गुरु नमन पीछे की तरफ अपनी टखने को पीछे की तरफ लेके जाना है और आगे इनहेल एंड एक्सहेल सेम। अपना अपना वाटर इंटेक कर लीजिए। मेरी बॉटल भरी ही रहती है सुबह सुबह। 2-3 टारगेट रखिए अपना 10 बजे के पहले मैक्सिमम वाटर इंटेक करने का। इन्हें पीछे जाएंगे इन्हें आगे आएंगे पीछे जाएंगे इन्हें। रोटेट योर लैक इन्हें एक्सेल इन्हें एक्सेल। गुल्फ चक्रण गुल्फ को क्या करना है घुमाना है एंकल जॉइंट को रोटेट करना है। गुल्फ चक्रण से जानू नमन। ये पैर को जब आप जानू नमन करेंगे तो इसको जब आप उठाएंगे सांस छोड़ेंगे यहां से एब्डोमेन से टच करेंगे आगे लेके जाएंगे सांस लेंगे सांस छोड़ेंगे सांस लेंगे सांस छोड़ेंगे सांस लेंगे। पेट दबता है तो सांस बाहर जाती है। क्या होता है पेट दबता है तो सांस बाहर जाती है।
डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए ये चीजें करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जितना गैस शरीर में होती है वो सारे जॉइंट्स में घुस जाती है। हमारे शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 106 हड्डियां होती है एडल्ट में। सबसे बड़ी कौन सी बोन होती है? सबसे बड़ी होती है फेमुर, फेमुर बोन। ये आपने 6th क्लास में पढ़ा होगा, 6th 7th क्लास में। चलिए, सबसे ज्यादा मसल्स किधर होती है? फेस पर, चेहरे पर सबसे ज्यादा मसल होती है। यस, इन्हें नेक्स्ट। सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है? लीवर, 400 ग्राम। हार्ट का वजन कितना होता है? महिलाओं में 300 ग्राम। जेलेनियम। बोन मैरो यानी ब्लड, ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? हड्डियों में। किधर होता है? हड्डियों में, बोन्स में। बोन मैरो कहाँ बनती है? हड्डियों में। हड्डी को मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ता है? व्यायाम। कितनी की कैल्शियम की डब्बियां खत्म कर दो आप अगर हड्डियों को हिलाओगे नहीं, मूव नहीं करोगे। ये जॉइंट कौन सा होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कुछ जॉइंट ऐसे होते हैं जैसे ये वाला जॉइंट, ये पूरा का पूरा मूव है ना। ये जॉइंट कैसा है? ये पूरा मूव ही होगा। अलग अलग तरीके के जॉइंट होते हैं, इनके बीच में जो फ्लूड होता है उसको क्या बोलते हैं? साइनोवियल फ्लूड। ये फ्लूड क्या करता है? घुटनों के दर्द से, प्रेशर से आपको बचाता है, मूवमेंट में हेल्प करता है। ये कहाँ से बनता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड। जितना अलसी खाओगे, अखरोट खाओगे, करो करते जाओ, फिश ऑयल कैप्सूल खाओगे, ये फ्लूड बना रहेगा। अगर आपने ये खाना बंद किया, लूट घिसना चालू, लूट कहाँ जाएगा? चला जाएगा। चलिए, नेक्स्ट लेग। अर्ध तितली बोलते हैं इसको, अर्ध तितली आसन। जानु चक्रण, इसको घुमाओ, यहां से पकड़ के इस लेग को घुमाओ। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। ऊपर जाएगा पैर इनहेल, नीचे आएगा एक्सहेल। आप बताओ, यहां पर भी गैस चली जाती है क्योंकि पवन मुक्तासन सीरीज है पूरी। है ये उन हड्डियों में से, उन जॉइंट्स में से गैस को बाहर कर रही है जहां पे हमारी गैस घुसती है। चलिए, डीप इनहेल एंड एक्सहेल। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है बताओ? चैट बॉक्स पे लिख सकते हो। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। स्कल बोन, ब्रेन की हड्डी, सबसे मजबूत हड्डी। इनहेल एंड एक्सहेल। अब ये करो, पहले यहाँ पर इस पैर को रखो, श्रोणि चक्रण, हिप रोटेशन। हिप को संस्कृत में श्रोणि बोलते हैं, श्रोणि चक्रण, श्रोणि का चक्रण मतलब हिप रोटेशन। पानी का इंटेक जारी रखेंगे। पहले आउट
फ्रेश भी ले सकते हो, हाइड्रेट भी ले सकते हो। जिनको गर्मी ज्यादा लगती है ना, जिनके ज्यादा प्रॉब्लम है, वो हाइड्रेट भी ले सकता है। ये हाइड्रेट है, बहुत जबरदस्त आता है हाइड्रेट। आज हाइड्रेट ही पियेंगे। इससे क्या रहता है, इससे एनर्जी बहुत रहती है। इसमें विटामिन B12, कैल्शियम सब मिल जाता है हड्डी को। हड्डी का पूरा न्यूट्रिशन है ये हाइड्रेट। चलो श्रोणि चक्रण, पूरा इसका रेपर टाइट आता है, पर खोल दूंगी। और मात्र 15 कैलोरी होती है। जो लोग ज्यादा मॉइस्चर में रहते हैं, जिनको ज्यादा मतलब, और B12 वेजिटेरियन डाइट में मिलता ही नहीं है, B12 हाइड्रेट में रहता है। फ्रेश मत पियो, हाइड्रेट पीना चालू कर दो। जिनको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, उनको क्या है, फिल्ट्रेशन का प्रॉब्लम है। खा तो रहे पर पानी फिल्टर नहीं है, पानी नहीं जा रहा। ज्यादातर यूरिक यूरिक एसिड किसको होता है, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, श्रोणि चक्रण। जो लोग खाते और पानी नहीं पीते, यूरिक एसिड। या फिर जो लोग दाल वाल ज्यादा खाते हैं बिना गलाए, दाल को हमेशा सोक करके खाना चाहिए। ऑलवेज सोक योर दाल 1 आवर बिफोर कुकिंग, बिकॉज यूरिक एसिड कंटेंट नहीं बढ़ता उससे। तो इसी भी दाल को अगर आप सोक कराओ, घुमाओ श्रोणि को। यस, अब दोनों पैरों को पास होंगे। बेस्ट एक्सरसाइज फॉर PCOD, PCOS, वजाइनल डिसऑर्डर्स, तितली आसन, बटरफ्लाई पॉज। कुछ ये इसको बचपन में खूब कैरी खाई है हमने। चल, काट दिया दांत से। ये हाइड्रेट है, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। ये सब पाउडर फॉर्म में आते हैं। आधा शीशे बहुत है, 20 शीशे आते हैं। आधा शीशे दबाओ, पानी में डालो और पी जाओ, थोड़ा घुलने दो। चलो फास्ट, जितना फास्ट करेंगे उतना। मूलाधार चक्र, हमारे 7 चक्र होते हैं। मूलाधार चक्र जो हमारे गुदा द्वार पे स्थित होता है, दूसरा चक्र स्वादिष्ठान चक्र जो हमारे जेनिटल ऑर्गन्स पे स्थित होता है, एक होता है मणिपुर चक्र जो अमाशय पे रहता है, स्टमक पे रहता है, एक अनाहत चक्र जो हार्ट पे स्थित रहता है, एक होता है विशुद्धि चक्र जो गले पर स्थित होता है, एक आज्ञा चक्र जो हमारे, जिसको बिंदु चक्र भी बोलते हैं, जो हमारे जहाँ टिक्की लगाते हैं मस्तक के बीच में स्थित होता है, एक होता है सहस्रार चक्र। जब आप बटरफ्लाई करते हैं तो इससे मूलाधार चक्र एक्टिव होता है। बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है, दिखने में बड़ी इजी, और क्या बोलते हैं, ऐसा लगता है ये क्या करवा रहे हैं, बस यही। पर ये भी आपके मूलाधार चक्र को एक्टिव कर रहा है भैया, शुष्क प्राण का सुषुम्ना में प्रवाह कर रहा है। सिर्फ ये प्रोसेस, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। दोनों पैर को पास मिला के ओपन, सूक्ष्म व्यायाम। दोनों हाथों को ओपन करेंगे, क्लोज। यहां पर पीछे, मणिबंध चक्रण। मणिबंध मतलब होता है रिस्ट जॉइंट, गुल्फ मतलब होता है एंकल जॉइंट, श्रोणि मतलब होता है हिप्स, और जानु मतलब होता है नीज। तो मणिबंध चक्रण करेंगे। इसको घोलने के लिए दूसरा ग्लास लो और ऐसे घोल, बढ़िया घुल जाएगा। विटामिन सी, विटामिन B12, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मिनरल्स,
इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम सब कुछ होता है इसमें, और इसका स्वाद बड़ा टेस्टी होता है। वन इन ऑल मणिबंध चक्रम, B1, B2, B5, B12, C एंड 5 एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड सोडियम। इतनी सारी चीजें मेरे शरीर में चली गई सुबह सुबह ही। चलिए रोटेट, जब आप मणिबंध ऊपर ले जाएंगे तो सांस लेंगे, नीचे आएंगे तो सांस छोड़ेंगे, इसमें भी सांसों का खेल रहता है पूरा। अब यहां पर भी आपकी गैस हो जाती है, इसलिए ये कोहनी नमन। रोटेट कोहनी चक्रण, इसको बोलते चक्रण, चक्रण मतलब रोटेशन। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज बोथ। आपके पास चुन्नी हो या कुछ ऐसे, एक बेल्ट खरीद के रखना, ऑनलाइन मिल जाता है, और दो तीन चीजें आपको परचेस कर लेनी चाहिए। एक ब्रिक परचेस कर लो, एक बेल्ट परचेस कर लो, और एक स्टिक परचेस कर लो। इससे हम आए दिन करवाते रहते हैं। यस, टिप इनहेल एंड एक्सहेल। अब देखो ये जॉइंट कैसा है, ये ऐसा जॉइंट है कि यहां से पूरा मूवमेंट हो रहा है। कोहनी के जॉइंट को पीछे कर सकते हो क्या? ये जॉइंट आप ही मूव करेगा। ये जॉइंट कैसा कर रहा है? पूरा मूव कर रहा है। हर जॉइंट अलग अलग तरीके का होता है हमारे शरीर शरीर का। तो सोचो आप कि भगवान ने बैठ के कितने उससे बनाया है हमारा शरीर, सोच तो समझ के। इस हाथ को ऐसे घुमाना पड़ेगा तो ऐसा जॉइंट बना दो, इस पैर से ऐसा चलना पड़ेगा तो नीचे ऐसा जॉइंट बना दो। और हम लोग क्या करते हैं, पिज्जा बर्गर खा खा के बैंड बजाते हैं। चलो स्कंद चक्रण, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, पीछे ले जाओ पूरा। अब आप लोग एक चुन्नी लेकर आओ, मैं आपको सिखाती हूँ एक नया शोल्डर को खोलने का वर्कआउट। जस्ट शोल्डर, शोल्डर जॉइंट को खोलने के लिए ये चुन्नी है, ठीक है? गुड मॉर्निंग वुमन मैम, ये चुन्नी है, ठीक है? ये मैंने चुन्नी ली। अब मुझे क्या करना है, पीछे ले जाना है और आगे लाना है। अब मैंने इसको और पास से पकड़ा, अभी मैंने दूर से पकड़ा, पीछे ले गई और आगे ले गई, ठीक है? अब मैंने थोड़ा और पास से पकड़ा, अब मैं इसका डिस्टेंस कम करती जाऊंगी, ठीक है? ये एक्टिविटी हमें रो करनी है। अब मैंने इसको और पास से पकड़ा, पीछे घुमाया, ठीक है? और पास से पकड़ा, फिर पीछे घुमाया, ठीक और पास से पकड़ा, फिर पीछे घुमाया। अब देखो हो रही है ना तकलीफ। अब इसको पास से जितना पकड़ती जाऊंगी मैं, उतना मेरा ये बारह बजाता जाएगा, ठीक है? मतलब मुझे लोड आएगा, ठीक है? और पास से पकड़ा, यहां से पकड़ लिया इस चुन्नी को, अब घुमाया पीछे। अभी देख पीछे जाने में दिक्कत आ रही है, ये जॉइंट को खोलने का काम है। पर देखो मैंने क्या करा, दूर कर लिया, वहां पे दूर नहीं करना है मुझे, पास से ही इसको पीछे लेके जाना है। कहाँ तक मैं कर सकती हूँ, ये जॉइंट खुलने लग जाएगा तो बैकवर्ड बेंडिंग के सारे आसन लगने लग जाएंगे। चुन्नी के उपयोग से हम शोल्डर को खोलते हैं। अभी देखो ये बढ़ गया मेरा डिस्टेंस, नहीं बढ़ना चाहिए जितना जा रहा है।
चल ये प्रैक्टिस आप घर पे करेंगे चुन्नी के साथ। अभी हम क्या कर रहे थे, हाँ शोल्डर हो गया, नेक रोटेशन, डीपिंग हेड, बैकवर्ड बेंडिंग एंड एक्सेल, फॉरवर्ड बेंडिंग, डीपिंग हेड, चार स्टेजेस में करते हम लोग नेक का रोटेशन। और विशुद्धि चक्र जो मैंने बताया आपको नेक पर स्थित होता है, विशुद्धि चक्र, और ये जो नेक का जो एरिया होता है या थायराइड ग्रंथि होती है जो कि हमारे चयापचय दर को कंट्रोल करती है, यानी आपको अगर दुबला होना है दो जगह काम कर लो, एक दिमाग और एक गला। दिमाग को ठंडा करने के लिए करना पड़ता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन चीजों का पालन करना पड़ता है। यस, इधर मुंह इधर फेस करेंगे और इसको स्ट्रेच देंगे। अब यहां पर इसको स्ट्रेच दीजिए। अब क्लॉकवाइज रोटेट करना है, जब आप पीछे जाएंगे तो सांस लेंगे, आगे आएंगे तो सांस को छोड़ेंगे। स्लोली स्लोली रोटेट, सारा नर्व का कनेक्शन गले से होके जाता है, इसलिए इसको पुलिस फोर्स बोलते हैं। दिमाग में कितनी नर्व होती है, बारह क्रेनियल नर्व और 31 सेक्रल नर्व्स होती है जो अलग अलग जगह कनेक्टेड होती है। जैसे आप सूंघते हो, यहां से आप नाक से सुनते हो, सूंघते हो ना, कोई भी चीज सूंघने का एहसास करते हो, तो सूंघने के लिए कौन सी नर्व होती है? स्लोली स्लोली लेट जाएंगे पैरों पर, हाँ पदोत्तानासन, लेट जाइए। फंक्शनल वर्कआउट अभी हमारा पूरा बचा है, अभी हमने आज का मेन चीज शुरू ही नहीं करी। चलिए 15 मिनट करवाऊंगी, है जल्दी से सीरीज कंप्लीट करके, पर मेन चीज पे आएंगे, पैर ऊपर सीधा, सेकेंड लेग अप, लेग अप, अब दोनों लेग को ऊपर कर लीजिए बिल्कुल स्ट्रेट, होल्ड, धीरे धीरे नीचे आएंगे, 60 डिग्री एंगल पर होल्ड, फोर्टी फाइव डिग्री एंगल पर होल्ड, थर्टी डिग्री एंगल पर होल्ड, 20 तक गिनती गिनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलीज, वेरी गुड। पूरा पैर को रोटेट करिए ऐसे गोल, पाद चक्र पूरा जैसे घुमाएंगे, सिंगल लेग को पूरा रोटेट, सेकेंड लेग पूरा रोटेट, यस एंड बोथ लेग्स रोटेट, रोटेट योर लेग्स क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, देखिए मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूं, अगर मैं रुक भी जाऊं तो आपको रुकना नहीं है क्योंकि आपको इंस्ट्रक्शन मिल चुका है कि आपको करना क्या है। हमारा वर्कआउट करना इतना जरूरी नहीं है, यस पाद संचालन,
पाद संचालन करेंगे। अपोजिट साइड, करते जाइए। सुप्त पवन मुक्त आसन, लेग्स को इधर लाके होल्ड करेंगे। सेकंड लेग, बोथ लेग्स, रोटेट योर बॉडी, धुनना उद्गारासन, आगे पीछे साइड आउट। आगे जाते वक्त नौकासन, दोनों पैरों को और बॉडी को एक साथ लिफ्ट करना। चलिए अब खड़े हो जाएंगे फटाफट, फंक्शनल वर्कआउट अब शुरू होगा। आपका जो आज का जो हिसाब किताब है वो पूरा करना है। टैपिंग करेंगे, फास्ट फास्ट टैपिंग, 15 मिनट थोड़ा हार्ड। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वन टू थ्री ऐसे करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, करते जाइए। अब आपको क्या करना है, देखो ये दोनों पैर ऐसे रखें, यू वन टू वन वन टू वन। मैं कैमरा चेंज कर देती हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से दिखूँ। 15 मिनट थोड़ा हार्ड है वर्कआउट। ऐसा ब्लड क्यों दिख रहा है इसका कैमरा? कैमरे हो गया कैमरा अच्छा नहीं, रहने दीजिए, दूसरे कैमरे पे ही रहने देती हूँ सर, कैमरे में कुछ प्रॉब्लम होगी। यस देखिए क्या करना है आपको, दोनों पैर ऐसे करना है, यहाँ से इधर जाना है और उसके बाद वन टू, इसके बाद इधर जाइए वन टू वन टू वन टू वन टू वन टू, वेरी गुड, वन टू इधर जाना है, वन टू
रिलीज। अब दोनों पैर रख के, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलीज। वेरी गुड। एक बार और, 1, 2, 3, रिलीज। रेस्ट कर लीजिए, जब भी आपको आगे रेस्ट करना हो ऐसे रेस्ट कर दीजिए। ये रेस्टिंग पोस्चर होता है, खड़े खड़े जब भी हमको रेस्ट करना हो ऐसे हाथ रख के बॉडी आगे कर देते हैं। ठीक है ना, अनदर वर्कआउट। आपको क्या करना है, ऐसे जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, और पुशअप लगा के वापस आना, 4, 1, 2, 3, 4, 5, पुशअप, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 1, 2, अगेन, ठीक है, घुटने के बल पे, ये ऐसे घुटने के बल पे, 1, 2, डाउन, रिलीज, टेक रेस्ट, टेक वाटर, पानी पी लीजिए। अगेन, ये पैर को इधर करें, डाउन, इस पैर को पास में लाके, डाउन, 1, 2, डाउन, 1, 2, डाउन, 1, 2, डाउन। अब नीचे के नीचे झुको, ऊपर खड़े हो। रिलीज, रेस्ट करेंगे 10 सेकेंड रेस्ट। वेरी गुड, टेक योर वाटर, हाइड्रेट वगैरह जो भी आप पी रहे हो पी लो। यस, वापस नीचे जाके ऊपर आना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, रिलीज। आराम से रेस्ट कर लीजिए 10 सेकेंड रेस्ट। अब आपको क्या करना है, अनादर स्टेप, ये बॉडी को उठाना है, यहां पर टच करनी है, इधर फिर इधर करना है, डाउन, फिर दोनों हाथ उठाना है, ये हाथ इधर, अप, डाउन, फिर ये वाला हाथ उठाना, डाउन, अंडरस्टैंड, ये करना है कितने बार, 20 बार। बॉडी को लिफ्ट करिए, क्रॉस हाथ लगाएंगे पैर को, उसके बाद लिफ्ट करेंगे, देखिए इसीलिए मैंने कैमरा चेंज, देखो डाउन, दोनों हाथ ऊपर,
वाला अप डाउन, उन हाथों पर ये धनुष, अप डाउन दोनों हाथ ऊपर, अप डाउन दोनों हाथ ऊपर, ये इधर, ये पॉस्चर ऐसा जाएगा, वन टू डाउन, वन टू थ्री फोर। तीन चार चीजों में फायदा हो रहा है, थाइस पे वर्क हो रहा है और काफ पे वर्क हो रहा है और साथ ही साथ हाथों पर भी वर्क हो रहा है। वन ट्विस्टिंग भी हो रही है, मेरुदंड में भी काम हो रहा है, यहाँ से ट्विस्टिंग हो रही है, मेरुदंड में भी काम हो रहा है। चलिए रिलीज, टेक रेस्ट, 10 सेकेंड्स का रेस्ट लीजिए, पानी पी लीजिए, टेक योर वाटर। लेट जाएंगे, लेट जाइए, एब्डोमेन करेंगे, रिवर्स क्रंचेस, कीप अबडक्शन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन। कीप अबडक्शन, दोनों पैर सीधे ओपन। अब यहां से हाथ को आगे लेके जाना है, वन टू वन टू वन टू, ये ओपन, रिलीज। दोनों पैरों को क्रॉस करेंगे, सीजर किक, सीजर किक, लॉर्ड विष्णु पोज, साइड लेग अबडक्शन, सेकेंड लैग, होल्ड होल्ड कर दीजिए, होल्ड, आराम से बैठ जाएंगे। वी विल डू प्राणायाम, सिट कंफर्टेबली, इट्स टाइम फॉर प्राणायाम। मेरा पानी लगा, हाइड्रेट। पूरा आधा सेशन हाइड्रेट पी लिया। Yes, deep inhale, गहरी सांस लीजिए,
कार्स बॉडी स्ट्रेट, अरे एक्सेल किशोरी नाड़ी को प्रेस करके अपनी चंद्र नाड़ी से बचाव कार्य के लिए अपनी बाई नाड़ी को प्रेस करके अपनी दाई नासिका से 50 टाइम्स लिख देंगे। अपने दोनों नासिका द्वार से कपालभाति क्रिया 50 बार लगातार लोहार की धुटनी के समान 750। अनुलोम विलोम प्राणायाम, चंद्रमा मन से हो जाता है, चंद्रमा मन का कारक होता है। और लेफ्ट नाड़ी चंद्र नाड़ी, राइट नाड़ी सूर्य नाड़ी। डीप इनहेल फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड एक्सहेल फ्रॉम द राइट, एंड इनहेल फ्रॉम द राइट एंड एक्सहेल फ्रॉम द लेफ्ट। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल से सांस लेना और छोड़ना है। प्राणायाम के 3 नियम, पहली बात बैकआज बॉडी स्ट्रेट, सुखात्मक आसन में बैठेंगे। दूसरी बात श्वास और प्रश्वास की ध्वनि अभ्यासी के शरीर तक भी नहीं आना चाहिए, साधक के शरीर तक भी नहीं आना चाहिए, इतना धीरे श्वास और प्रश्वास करना है। तीसरा नियम श्वास से दुगुना प्रश्वास, जितना आप सांस ले रहे हैं उससे दुगुना समय प्रश्वास पर लगाइए। तो ये है 11 बार इनहेल एंड एक्सहेल अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्रणव मुद्रा बनाएंगे, दोनों उंगलियों को क्रॉस करेंगे, अंगुष्ठ को अपने राइट नॉस्ट्रिल पर प्रेस करके अपनी ये वाली उंगली को इधर यहाँ से सांस लीजिए, फिर इससे बंद करके अंगूठे पे करें प्रणव मुद्रा। यस स्टार्ट करते हैं। डीप इनहेल,
प्राणायाम, दांतों को भीग लीजिए, दांतों से सांस लेना है डायफ्राम तक, अंदर तक, और उसके बाद अपने नासिका द्वार से सांस को बाहर छोड़ना है। एंटी एजिंग प्राणायाम है, इसको करने से हमारी उम्र कम लगती है। इसमें ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि कामदेव के समान शरीर हो जाता है शीतकारी प्राणायाम। तो दांत से सांस लेना है सीसी करते हुए और नासिका द्वार से सांस को बाहर छोड़ना है। डीप इनहेल फ्रॉम द माउथ, टेथ क्लोज। इनहेल इनहेल अगेन, गेंदी, जाएंगे पैरों को क्लोज कर दीजिए। कुंभक करेंगे हम लोग, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ अवर स्टमक। पैर क्लोज, आंखें बंद, नहीं जाएंगे जय सांस लीजिए, पैर को बलून की तरफ बुलाएंगे और 5 तक गिनती गिनेंगे। इस सांस को बैलून में अंदर पैर पेट में होल्ड करेंगे और धीरे धीरे प्रश्वास करेंगे, सांसों को बाहर छोड़ेंगे। डीप इनहेल, एक्सहेल, वन मोर टाइम इनहेल, एक्सहेल। योग मुद्रा, दोनों पैर सीधे, हाथ आसमान की तरफ, आंखें बंद, पूरा आराम से लेट जाएंगे। बिना अपना पूरा ध्यान अपने श्वास और प्रश्वास पर लेटे रहेंगे, आंखें बंद, अपने सीधे पैर पर ध्यान लगाएंगे। अपने उल्टे पैर पर ध्यान लगाएंगे, अपनी कमर पर ध्यान लगाएंगे, अपना ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर, नाभि चक्र जिसे बोलते हैं, वहां पर लगाएंगे। धीरे से अपने ध्यान को मणिपुर चक्र, अमाशय की तरफ, जहां पर आपका स्टमक स्थित है, मणिपुर चक्र, वहां पर लगाएंगे। अपने ध्यान को अनाहत चक्र, मतलब जहां पर हमारा हृदय चक्र या हार्ट स्थित है, अनाहत चक्र पर ध्यान लगाएंगे। अब अपने ध्यान को ऊपर थोरेसिक रीजन पर, जहां पर आपकी लंग्स स्थित है, वहां पर लगाएंगे थोरेसिक रीजन। अब अपने ध्यान को विशुद्धि चक्र, मतलब कंठ नाल, जहां पर आपका लैरिंग्स स्थित है, रसा नली, ईसोफेजियल ट्रैक्ट जहां से जाता है, वहां पर विशुद्धि चक्र पर, जहां पर आपकी थायराइड ग्रंथि स्थित है, वहां पर लगाएंगे। अब धीरे से अपने ध्यान को बिंदु चक्र या आज्ञा चक्र, मस्तिष्क पे, भौहों के पास बीच में लगाएंगे। अब अपने ध्यान को सहस्रार चक्र, टॉप ऑफ द हेड पर लगाएंगे।
आंखें बंद, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, सांस आ रही है, सांस जा रही है। ब्रीदिंग इनहेल, गहरी सांस लीजिए। Please. Again, deep inhale. One more time, deep inhale. धीरे से करवट लेके, यस, वेरी गुड। सुप्रभात, सभी को भूमि प्रणाम करते हुए अपने दिन की शुरुआत करेंगे। आज हमने योग निद्रा किया। रागरे वस्ते लक्ष्मी करमते तु सरस्वती करमुले तु गौरी सा प्रभाते गुरुदर्शनम सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् पावक। योग निद्रा करने से क्या होता है, जब आप अपने शरीर अपना ध्यान अपने ही अंगों पर केंद्रित करते हैं अलग-अलग, तो इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारी कम समय में नींद पूरी हो जाती है। कम समय में नींद पूरी हो जाती है, यानी आप कम सोते हो और आपका काम हो जाता है। आप खुद महसूस करेंगे इस चीज को। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, ब्रेन पावर बढ़ती है। कंफर्टेबली वी विल टॉक फॉर 5 मिनट्स एंड अवर नेक्स्ट सेशन इज अलाइन। सुप्रभात सभी को। आज हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ज्यादातर मेंबर्स यहाँ पर वेट लॉस वाले हैं, वेट गेन वाले एक दो होंगे शायद, पर ज्यादातर हम लोग वेट लॉस वाले हैं। तो व्हाट आर द टिप्स, जिन सबसे पहले तो मैं उन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी जिन्होंने अच्छा वेट लॉस किया है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अभी जो रिसेंटली मेरे पास आ रहे हैं। और एक सबसे बड़ी मजे की बात तो ये है कि जो हमारा चैलेंज चल रहा है वो जबरदस्त चल रहा है, और सबकी थालियों, मतलब थाली तो नहीं ले रही मैं, पेपर पे लिखा हुआ, यस थैंक यू मैम, पेपर पे लिखा हुआ मैंने देखा, वो रेगुलर बेसिस पे कैनवा पे कोई वर्ड पे मुझे बना बना के भेज रहा है कि आज हमने ये खाया, आज हमने ये खाया। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फॉलो अप हो रहा है और बहुत जबरदस्त रिजल्ट आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बहुत रॉकेट साइंस या किताबी ज्ञान नहीं देने वाली हूँ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डाइटिशियन क्या बोलती है, आपका कोच क्या बोलता है, इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका कंप्लायंस। मैं आपको कुछ शेयर करती हूँ कि कैसा कंप्लायंस हो रहा है और किस तरीके से कंप्लायंस लिया जाता है। और जस्ट होल्ड ऑन, मैं आपको कुछ शेयर करती हूँ। कुछ चीजें शेयर करती हूँ मैं आपको, तो आपको समझ में आएगा कि कैसा इम्पोर्टेंट होता है डाइट, कौन कैसी फॉलो कर रहा है उसके बारे में जानना। क्योंकि हम दे तो देते हैं, डाइट प्लान तो दे देते हैं, पर कंप्लायंस कितना हो रहा है, यानी वो व्यक्ति फॉलो कितना करता है, वो उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। इससे ज्यादा जरूरी होता है, डाइट प्लान देने से भी ज्यादा जरूरी होता है। तो वेट लॉस के लिए मैं ये मानती हूँ, पर्सनली मेरा ये एक्सपीरियंस है कि जब तक व्यक्ति से पेपर पे ना लिखवाओ कि आज आपने क्या खाया, मैंने तो आपको बोला कि आज आपको 2 रोटी सब्जी दाल दही और सलाद खाना चाहिए है ना, पर आपने क्या खाया। फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ मैडम, मैं इनका शेयर करती हूँ क्योंकि इधर मेरे को ढूंढने में दिक्कत आ रही है, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, एक आपके सामने डाइट शेयर कर रही हूँ मैं। बहुत जबरदस्त उनका कंप्लायंस है और बहुत जबरदस्त वो रेगुलर क्लब में भी आ रहे हैं, और यही शो करता है उनका डेडिकेशन। यस, देखिए हम कहाँ पे मात खाते हैं। मैंने आपको डाइट प्लान दिया, इस तरीके का आप डायरी मेंटेन करते हैं क्या? ये देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आपने रात को क्या खाया, 5 बजे क्या खाया, दिन में क्या खाया, स्प्राउट खाया, 8/9/5/2024, 9/6, एक्चुअली डेट लिखना गलत गलत है ये डेट, तो इस तरीके का इनका डाइट प्लान आ रहा है, ये देखो ये ऐसा मैं हर मेंबर से कागज मांग रही हूं और हर मेंबर का कागज मेरे पास आ रहा है। अब यहां पे मैं गला पकड़ लेती हूँ आदमी का, मैंने बोला 2 रोटी खाने का, उसने खाई 2 बाटी। हम क्या करते हैं, डाइट प्लान देके छोड़ते नहीं है आदमी को, उसका फॉलोअप तगड़ा करते हैं। उससे क्या होता है कि जब वो लिखता है खुद ही, तभी उसको समझ में आता है, मैडम ने तो छाछ पीने का बोला था, आज तो छाछ पी नहीं हमने। तो वेट लॉस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंप्लायंस, मतलब आपका कोच तो आपको बोल रहा है शेक पीने का 7 बजे, आप आज से पेन उठाओ और लिखना चालू करो कि आपने अपना शेक कितने बजे पिया था। आप आज से लिखना चालू करो, सब लोग जितने भी यहाँ मेंबर्स हैं सब लिखना चालू करो, आपके कोच ने आपको बोला क्या है और आप क्या कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से रिजल्ट जनरेट होते हैं, यहीं से रिजल्ट जनरेट होते हैं। क्योंकि मैंने देखा बहुत ज्ञान देने से जबानी जमा खर्च बोलते हैं हम लोग इसको शुद्ध भाषा में, उज्जैन की भाषा में जबानी जमा खर्च, मतलब ज्ञान खूब दे दो किसी को, प्रोटीन खाना चाहिए और ये खाना चाहिए और वो खाना चाहिए, वजन कम होता है, तो जबानी जमा खर्च को मैं 5% मानती हूँ और 95% मानती हूँ कि वो क्या कर रहा है। मैंने खूब ज्ञान दे दिया फाइबर खाना चाहिए, फाइबर में ये होता है, फाइबर में वो होता है, फाइबर खाने से वेट कम होता है, अरे तुम क्या खा रहे हो पहले ये तो बताओ। मैंने तो आपको बता दिया एक सलाद में एक कटोरी सलाद खाना है, जिसमें एक ककड़ी खाना है, एक नींबू खाना है, जो भी खाना है मैंने आपको सब बता दिया, पर आप क्या फॉलो कर रहे हो। मैंने आपको 7 बजे शेक पीने का बोला है, आपके कोच ने 7 बजे शेक पीने का बोला, आपके कोच ने बोला कल से 5 बजे 6 बजे उठना है, आप क्या बोलोगे। सबसे पहले अपनी चीजों को पेन डाउन करना चालू करो, कम से कम 15 से 20 लोगों के रेगुलर डाइट प्लान मेरे पास आ रहे हैं जो मुझे रेगुलर दिखा, ये फॉलो किया, और मैं ये चीज बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रही हूँ कि जो हम बोलते हैं वो मेंबर कभी नहीं करता। आप भूल जाओ कि आपने कोई डाइट प्लान दिया है और आपका कोई मेंबर फॉलो कर रहा है, भूल जाओ, पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। बहुत सारे डाइट प्लान अभी आपसे शेयर कर सकती हूँ, ये तो एक ही करा मैंने, बहुत सारे डाइट प्लान शेयर कर सकती हूँ। रेगुलर डायरी मेंटेन सेल्फ, मैं मेरी भी डायरी मेंटेन करती हूँ और मेरे मेंबर्स की भी करती हूँ। मुझे पता है कल क्या खाया था मैंने, कल मैंने एक कुल्फी खाई थी रात को 9 बजे, उसके पहले मैंने खाया था होटल में खाना जिसमें मैंने पनीर की सब्जी खाई थी, नान खाई थी, कल मैंने खाना शेक नहीं पिया था, कल मैंने पार्टी करी थी। तो आप कितने दिन पार्टी करते हो ये भी आपके मतलब उसमें होना चाहिए, कितना आपने सलाद खाया दिन भर में, कितना छाछ पिया आपने दिन भर में, एवरीथिंग क्वांटिटी वाइज आपकी डायरी में नोटेड होनी चाहिए। जिनको भी वेट लॉस करना है, मैं कोई साइंटिफिक चीजें, कोई किताबी ज्ञान नहीं दे रही, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीजें बता रही हूँ आपको जो बहुत जरूरी है किसी को भी, जो भी फॉलो, जो भी जाए, जिसको वजन बढ़ाना है और जिसको वजन घटाना है, दोनों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्लायंस ऑफ द कोच, और कोच खुद क्या कर रहा है, कोच का भी बहुत खुद का सेल्फ एनालिसिस करें, क्योंकि हम लीड बाय एग्जाम्पल करते हैं। अगर हमने 7 बजे किसी को शेक पीने का बोला है और अगर हम 9 बजे शेक पी रहे हैं तो वो गलत है, और अगर हमने किसी को बोला है कि सलाद खाना है आपको खाने के पहले और हम खुद सलाद नहीं खा रहे हैं तो कोच की भी गलत बात है, कोच अपना रिजल्ट कभी नहीं ला सकता, पॉसिबल ही नहीं। सेल्फ कंप्लायंस एज वेल एज मेंबर्स कंप्लायंस, द वर्ड कंप्लायंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन वेट लॉस। कुछ भी किताबी ज्ञान नहीं है, सिंपल ज्ञान दे रही हूँ मैं आपको। देखो एक और डाइट, एक और ग्रुप बनाया मैंने, आपसे वो भी शेयर करती हूँ मैं, जस्ट होल्ड ऑन। एक ग्रुप है हमारा जो चल रहा है अभी, 21 डेज वेट लॉस चैलेंज, मैं इस ग्रुप को आपको इसकी नजर डालती हूँ कि ये ग्रुप कैसा चल रहा है। इस तरीके से हम अगर काम करते हैं तो हमारे मेंबर का रिजल्ट क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ये ग्रुप है देखिए, इसमें ये लिंक डली है, अब आगे मैं जाती हूँ इसकी लिंक के पीछे पीछे थोड़ा सा घुमाती हूँ, ये देख, अब यहाँ पर ये देख पीछे थोड़ा सा, 1 मिनट इस ग्रुप को पीछे घुमा रही हूँ मैं थोड़ा,
लूजर्स चैलेंज ये यहाँ पर आया, ये सबके वेट के वीडियो डल रहे हैं इसमें, प्रॉपर कंप्लायंस। अब ये देखिए, ये थाली की फोटो भेजी है ना, मेरी कल की डाइट, कोई फोटो नहीं है इसमें, सिर्फ डाइट प्लान आ रहा है। अब आप देख, एक दो और खोल के बताती हूँ, कितना जबरदस्त तरीके से लोग मेंबर्स फॉलो अप कर रहे हैं, कंप्लायंस कर रहे हैं, इसका आपको साक्षात एग्जाम्पल हमारे चैलेंज ग्रुप में मिल जाएगा। ये वीडियो डल रहे हैं लोगों के, लगातार वेट के वीडियो डल रहे हैं, ये देखिए इतने लोगों ने वेट के वीडियो डाले हैं। ये देखा सिमरन पंड्या, क्या खाया, ये खाया 8:20 पे, ये खाया। मैंने क्या बोला था, आपने क्या खाया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए ये डाइट, ये देखिए किसी किसी मेंबर ने तो इस तरीके से डाइट भेजी है, कैनवा पे टाइप करके, कैनवा पे टाइप कर करके डाइट भेजी। ये दिस इज कॉल्ड एज कंप्लायंस। ठीक है, तो कोई किताबी ज्ञान नहीं, आपको भी ये काम करना है और आपके कोच को लिख के डेली फोटो भेजना है। आज मैंने बोला 1 मिनट का समय लगता है, मैं फोटो फोटो खींचने का बोलते हैं ना हम लोग कि फोटो खींच के भेजो, फोटो दिन भर बेचारा फोटो ही खींचता रहता है। आपको फोटो नहीं खींचना है, आप जो भी खा रहे हो, या फिर आप गूगल से एक ऐप आती है गूगल शीट्स, जो लोग टेक्नोलॉजी से भी हैं, जो लोग मोबाइल में अच्छा काम कर लेते हैं, गूगल शीट्स डाउनलोड करो, जो भी खा रहे हो आपने। अगर आए, मैंने कल कुल्फी खाई, मुझे कुल्फी लिखना है उसमें, मैंने क्या रबड़ी कुल्फी खाई थी कल, मैंने पनीर की सब्जी खाई थी, पापड़ खाया था, कॉर्न सूप खाया था, और मैंने नान खाई थी, जो भी खाया, हम भी खाते हैं, हम भी होटल में खाना खाते हैं, हमको लिखना है आज हम डिटॉक्स करेंगे क्योंकि हमने कल खाया है। मेंबर्स के फोन आते हैं मेरे पास, आज मैडम ये खा लिया चिली पनीर 3 कटोरी, अब कल क्या करें, फिर कल की डाइट उनको भेजते हैं कि आज दिन भर में आपको ये फॉलो करना है और रात को मुझे फोटो खींच के भेजना। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी बता नहीं रही हूँ, टेक्निकल चीज, सिर्फ प्रैक्टिकल चीज बता रही हूँ, ये आप कल से करना चालू करो, आपका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल आ जाएगा। कुछ भी टेक्निकल चीज नहीं है, खुद अपना डाइट पेन डाउन करना चालू करो, आपको रिजल्ट आ जाएगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग। अब हम